हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और फिट होंगे, फाइन होंगे। तो हम भी अच्छे से हैं। और आज हो रही है बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप, इतनी तेज़ धूप कि धूप में रहा भी नहीं जा रहा है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आज का मौसम हो रहा है कुछ इस तरीके से। और खूब तेज़ धूप खिली हुई है और हमने यहाँ पे मक्की वगैरह सारी डाली हुई है सुखाने के लिए। और थोड़ी थोड़ी मक्कियों में छाया आ गई है, तो अब इधर को डालेंगे। और सामने वाली छत में भी हमने मिर्च रखी हुई है सुखाने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ जो है धूप हो रही है। और आज जो है पतिदेव को मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी। तो खुशखबरी क्या है ये इन्हीं से ही पूछेंगे। और यहाँ देखिए आंखों के बालों में कंघा किया जा रहा है। ये बाल नहीं बनाने देती है, इधर से अच्छी बार बार अपन कंघा लाऊंगा वहां से। ठीक है, आपको कोई कंघा करेंगे। चलो तब तक आपको हेलो हाय करो, मैं जब तक हेलो करो आपको। हेलो बोलो, हेलो बोल। बोलो। हाँ बोलो हेलो। हेलो, कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? नहीं नहीं करी आपने हाँ? और ये क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे क्या हुआ? ये साफ करके आए हो आप? क्या हुआ? मुझे लग रहा ना इसके इसमें नाखून लग रखा। नाखून नाखून मारा था ना आपने? हाँ। तो चलिए फिर आपको बताते हैं कि क्या खुशखबरी पतिदेव को मिलने वाली है। यही बताएंगे, बताओ क्या खुशखबरी मिलने वाली है आज आपको? खुशखबरी ये है कि आप सबके प्यार और सपोर्ट से ना मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया है ना। मतलब हो तो गया था कल, मगर आज मैं चैनल को अपने जो है ना उसके लिए मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करूंगा। तो देखते हैं शाम तक क्या होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ही के प्यार और सपोर्ट से इनके चैनल पे भी इनके 4000 जो है वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है और 1000 से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर उसमें हो चुके हैं। तो अब क्या है कि ये अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज करेंगे, आज अभी करोगे या रात को? दिक्कत ये हो रही ना कि मैं सोच रहा हूँ एडसेंस का अकाउंट एक ही है मेरा, तो अब दोनों चैनल उस पर डालेंगे तो फिर दिक्कत है। कभी माना एक चैनल को में कोई दिक्कत हो जाती है तो फिर तो समझो। आप हमेशा से क्यों सोचते हो कि हमारे चैनल में कोई दिक्कत हो जाएगी? क्यों, मतलब नेगेटिव क्यों सोचते हो आप हमेशा? अरे यार बहुतों के साथ हो जाता है ना, इसलिए डर लगता है। हमेशा ना पॉजिटिव सोचना चाहिए ना, कि हमेशा मतलब माइक में लेके चलेंगे कि हमारे एक चैनल में कोई दिक्कत हो जाएगी, हमारे एक चैनल में कोई दिक्कत हो जाएगी। क्यों सोचते हो आप ऐसे बार बार? लगता कभी कभार नहीं यार, किस्मत वैसे ही हमारी बहुत खराब है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के प्यार और सपोर्ट से मेरे हस्बैंड का भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और जब इनका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, इनको मेल आ जाएगी, तो ये अपने अपने चैनल पे डालेंगे वीडियो, है ना? तो जो भी मतलब अगर ये कुछ शेयर करना चाहेंगे कैसे क्या क्या इन्होंने मेहनत करी, मेहनत क्या, तो 7-8 10 वीडियो में ही इनका चैनल जो है पूरा मतलब वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुके हैं आप सबके प्यार और सपोर्ट से। और मेरे चैनल पे भी मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे 7 अगस्त को। और लेकिन मैं कुछ स्पेशल करना चाहती थी, तो अभी हमने कुछ स्पेशल नहीं किया है क्योंकि जो इनके जो भैया भाभी हैं वो भी घर आने वाले हैं, यानी कि मेरे जेठ जी और जेठानी जी। तो मैं अपनी फैमिली से आपको मिल पाऊंगी। और जो 10K का जो हम सेलिब्रेशन हम सोच रहे थे, छोटा मोटा जो भी करेंगे तो हम तभी करेंगे। और अभी हमने मतलब सब चीज़ क्या कर रखा है, पेंडिंग में डाला हुआ है कि वो लोग आएंगे तो सब साथ में मिलके, अच्छा लगता है ना परिवार के साथ में सब सेलिब्रेशन करना। छोटा तो सा केक काटेंगे। हाँ तो तभी हम करेंगे और वो मैं आपके साथ में तब शेयर करूंगी जब मेरे मतलब जेठ जी और जेठानी जी घर पे पहुंच जाएंगे उसके बाद। और लेकिन तब लेकिन मेरे जो है 10K सब्सक्राइबर आप सबके प्यार और सपोर्ट से कंप्लीट हो गए थे 7 अगस्त को। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, आपने मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट दिया है और साथ साथ मेरे हस्बैंड को भी आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दिया है, जो कि इनका चैनल भी मोनेटाइज होने वाला है और फिर डबल खुशी होगी। एक तो इनका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा और मेरे चैनल पे भी 10K जो है सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। और होप कि तब तक मेरा एडसेंस का पिन भी आ जाए, तब तक मेरा हो सकता है कि आपका मेरा पिन भी आ जाए। और अगर मेरा पिन आ जाएगा तो फिर तो ट्रिपल खुशी हो जाएगी और फिर हम सेलिब्रेशन करेंगे। तो बस आज के व्लॉग में यही था, आप लोगों को बताना था कि बस हस्बैंड की भी बल्ले बल्ले होने वाली है। बल्ले बल्ले कुछ नहीं है वैसे, मिलता तो कुछ नहीं है, क्यों नहीं मिलेगा, मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा। बहुत कम है, और 2-3 दिन से ना बहुत तकड़ा वाला सर दर्द हो रहा है।
कसम से कभी सैड हो रहा कभी सैड हो रहा। और मम्मी जी की भी तबीयत खराब हो रही थी तो फिलहाल मम्मी जी अभी ठीक है, कभी ठीक हो जाती कभी वैसी हो जाती उनकी तबीयत भी। तो और हमने एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसमें हम बगीचे से जो है कि आम लेके आए थे और हमने आम खरीदे थे वहां से, तो 9-10 किलो आम थे वो जो हमने खरीदे थे बुआ से। आप चुप रहोगे थोड़ी देर, मैं बोल रही हूँ, सॉरी मैडम। तो जो है बगीचे से हम 9-10 किलो आम लेके आए थे और हमने वो पकाने के लिए रखे थे, तो काफी टाइम हो चुका है और मम्मी जी हमें कह रही कि वो सड़ गए होंगे तुम देख क्यों नहीं रहो। तो यार काम के बीच में ना ऐसा हो जा रहा, हम ध्यान कभी दिमाग में आता है कभी काम में बिजी रहता है तो देखा ही नहीं हमने। कल भी हम सोचे थे कि हम देखेंगे लेकिन फिर देखा नहीं, तो आज मैं आपको दिखा देती हूँ, हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि आम पके या नहीं पके या सड़ तो नहीं गए। सड़ तो नहीं गए, चलो देखते हैं। हमने रखे थे आम पकाने के लिए बोरे के अंदर। ओ भाई साहब पक गए, पक गए। इनको ना एक पतीले में डाल के धो देंगे, चिपचिपे से होगी, चुप चुप जो लगता है ना उसका। ओए 10 किलो आम भाई, कौन कुछ तो इन पे ना दाग से भी लग गए काले काले। ये हैं आम, चलो खोल के दिखाओ। ओ बाप रे, ये सड़ गए, पूरे सड़ गए। ये देखो ये सड़ गए आम पूरे। अबे यार हमने देखे नहीं ना ये पहले, गड़बड़ हो गई बात। ये तो जो सुन नीचे से ना एक छोटी पतीली लाना, जो आम है ये थोड़े सड़ गए हैं और अब क्या मैंने धोते हैं, जो सही सही से हैं वो निकाल के धो लेते हैं इनको जो अच्छे हैं। ये फालतू में नहीं डूब गए 200 रुपए, हमने चेक नहीं करे, हमें चेक करने चाहिए थे ना, ये हमारी गलती है यार। ज्यादा नहीं सड़े हैं पर है ना, थोड़े बहुत सड़े, सड़ा ये देख ना। ओहो इसका तो क्या बन गया, कचुम्बर है। मगर जो इसमें वो थे ना मालती वो कलमी क्या बोलते हैं उनको, दशहरी आम जो होते हैं ना वो नहीं सड़े, वो नहीं सड़े, ये जो लोकल ब्रांड है ये लोकल ही ब्रांड है ये सड़ गया भाई पता नहीं क्यों। ये बाकी तो किसी भी काम के नहीं है, ये कट्टा भी खराब हो गया ये वाला चीनी भी नहीं लाने के, अच्छा था उसको धोते पहले। इसको यहाँ पे रख देता हूँ, सीधा गदेरे में जाके फेंकूंगा बाद में ना, यहाँ पे रख दे क्या करना है इनका। तो ये जो जितने आम है ना ये वाले सारे सड़ गए हैं, ये वाले इतने आम हमारे सड़ चुके हैं। अच्छा वो आज भी देख लिया हमने है ना, अगर आज भी ना देखते तो 2-4 दिन बाद देखते तो खराब हो जाते ये पूरे है ना। हाँ गंदे हो रहे यार ये तो, देखते हैं टेस्ट करके दिखाना आप कैसे हो रहे हैं। मीठे तो होंगे ये, जहाँ तक तो मेरे को लग रहा ना मीठे होंगे, दशहरी आम है। इससे अच्छा तो पेड़ में ही पका लेते तो अच्छे और महंगे बिकते ये 15 रुपए किलो लिए थे ना कच्चे। इसलिए नहीं पकाया ना क्योंकि वो आसपास के गांव के लोग बच्चे वगैरह ये लोग जा जाके ना चोरी कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने निकाल दी, फिर बंदर भी आते तो बंदर तो रखते ही ना रखते। आपको आप कहाँ चढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आम हमने धो लिए हैं और अब चलते हैं किचन में और काट के देखते हैं, काटेंगे और खा के देखेंगे फिर आपको बताएंगे कि कैसा टेस्ट आ रहा है इनका पहाड़ी आम कसम से। हाँ ऐसा नुकसान हो गया ना हमारे थोड़ा। अब मैं एक आम पहले काटते हैं और देखते हैं कैसा हो रहा है, मीठा हो रहा है नहीं हो रहा ये वाला देखती हूँ। तो नमक लगा के खाऊंगा इसमें, नमक लगा के कौन डालता मीठा आम में नमक, मीठा कम मैंने थोड़ा पता नहीं जो मैंने खाया था वो कम था। ये तो नमक लगा के चीनी लगा के नमक 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 लगा के तो अच्छा होता है आम। ओ पक तो रखा पूरा, ओहो ये देखो पूरा नहीं पका है, देखो ना तो पूरा नहीं पका है, कोई कोई पूरा नहीं पका जी। वाह खा के दिखा, मैं टेस्ट करूं। टेस्ट करो बिल्कुल, आंखें बंद क्यों करें, ज्यादा मीठे नहीं हो रहे यार ये। मैंने बोल दिया था मीठे नहीं है ज्यादा, ज्यादा जूम मत करो, मीठे नहीं हो रहा, इसमें चीनी डालने की जरूरत है। लेकिन पक तो गया पर मीठे नहीं हो रहे पता नहीं क्यों। और इनकी खुशी मिलने से पहले आमों ने खुशी दे दी, थोड़ी खुशी दी थोड़ा गम दिया कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और जैसे ही इनके चैनल पे ये अपने चैनल को आज रिव्यू में डालेंगे, तो जैसे इनको गुड न्यूज मिलती है ये अपने चैनल पे शेयर करेंगे और
आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, और अगर आपको व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ कमेंट जरूर करना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय। आपको आ जाए, बाय बोल दे, बाय। अगर मेरी मम्मी की वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे मम्मी पापा की वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, लव यू, लव यू।